पंचकुला में पुलिस की लाठियां खाने के बाद सरपंचों ने पूरी की पूरी रात पंचकुला के हाउसिंग बोर्ड चौक पर खुले आसमान के नीचे गुजार दी। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे सरपंचों ने बीते दिन सीएम आवास को घेरने के लिए चंडीगढ़ कूच किया था, लेकिन बॉर्डर पर तैनात पुलिस ने न केवल सरपंचों को हैवी बैरिकेटिंग के जरिए रोका बल्कि विरोध करने पर सरपंचों के ऊपर अंधाधुंध लाठियां भी बरसाई। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद सरपंचों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ऐसे में अब उन्होंने फैसला लिया है कि किसान आंदोलन की तर्ज पर हाउसिंग बोर्ड चौक पर पक्का धरना लगाया जाएगा और जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती ये धरना चलता रहेगा। दरअसल पुलिस की लाठियां खाने के बाद सरपंचों की रात कैसे गुजरी उसकी कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। धरने पर बैठे सरपंचों के लिए गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब से रात का खाना मंगवाया गया था और फिर पेट पूजा करने के बाद सरपंचों ने ताश की बाजियां भी जमकर खेली। सरपंचों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर पंचकुला और चंडीगढ़ पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में तैनात रहे। पंचकुला के डीसीपी सुमेर प्रताप सिंह लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये गतिरोध सिर्फ सरकार ही रोक सकती है क्योंकि सरपंच इस बात पर अड़े हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनके साथ बातचीत करे और कोई समाधान निकाले। बता दें कि ई टेंडरिंग के खिलाफ चल रहे आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। न सरपंच पीछे हटने को राजी हैं और न ही सरकार। ऐसे में बीते दिन हुई तकरार से अब हाहाकार मच रहा है, जो कब थमेगा इसका अंदाजा अभी लगाना जल्दबाजी होगा। पंचकुला से उमंग शरण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।